Hello friends, this is Kumar Veerbhadra Singh and you are watching Veerbhadra Weapon Class in Outdoors. So today we'll do nothing else just to shoot this GM10 carbine which I got like 3 or 4 months back. But the gun was not doing as I was expecting. तो मैंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्यून किया है. तो आज हम लोग इसको देखेंगे 50 यार्ड्स पे कि 50 यार्ड से थोड़ा कम है, एक्चुअली 47 यार्ड है ये. तो सिंगल शॉट में करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या ग्रुप हमारा बनता है. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस जी स्मिथ जंबोस 13.10 सिंगल शॉट ट्रे आई एम यूजिंग एंड दिस इज UTG 6 to 24 into 50. लेट्स बिगिन, देखते हैं कि कैसा ट्यून है. सो आई एम गोइंग टू हिट the upper left side. And the wind just picked up. No problem. I will do just 3 shots, okay, because the video will be very lengthy. अभी सब कुछ ट्यून करने के बाद, नहीं अभी रहने दीजिए आप, अभी सब कुछ ट्यून करने के बाद भी अभी इसका वो ट्यून नहीं हो पाया है. इसके लिए साइप सप्रेसर, सप्रेसर के साथ एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी सफ़र और कर रही है. सो देयर इज सम वर्क लेफ्ट टू डू. And there is a flyer, but I'm going to show you guys real time जो है जैसा है जी स्मिथ जंबोस या जी स्मिथ कोई भी पैलेट में वेट की इनकंसिस्टेंसी बहुत रहती है. सो ओके, सो सडनली यू कैन सी देयर इज नो ग्रुप एट ऑल. One more shot. जी स्मिथ जंबो. मुझे ना वेट के हिसाब से थोड़ा सा शॉटिंग कर लेना चाहिए था. एक्यूरेसी वाइज ये पैलेट मुझे बहुत अच्छा एक्यूरेसी दे रहा था, लेकिन वो सारे जो जी स्मिथ जंबोज थे उसको मैंने वे किया था और एक वेट वाले को एक ग्रुप बना के तब मैं शूट कर रहा था. बट अभी मैं डायरेक्टली बॉक्स से शूट कर रहा हूँ, बट मे बी दैट इज़ द रीज़न.
सो ये था जंबो 47-48 yard. नहीं नहीं अभी रहने दो. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस वेरी चीप पैलेट मेड इन अर्जेंटीना अपोलो पॉइंटेड 9 grain पैलेट. ओके आई फाइंड दैट दिस पैलेट आर टॉलरेटिंग FPS फ्रॉम 780 to 950 FPS. तो 750 to 950 FPS तक के पैलेट पे. और चलिए बहुत सस्ता है, 500 rupees का टीन है 500 पैलेट्स का. और इसको अभी हम लोग देखते हैं कि ये इस गन में कैसा चल रहा है. सेम शूटर सेम इन्वायरमेंट आउट ऑफ द टीन, नो शॉटिंग व्हाट्सोएवर. सो फॉर नाउ आई एम टारगेटिंग राइट साइड लोअर टारगेट, और नो द लेफ्ट साइड लोअर टारगेट. नौ ग्रेन के पैलेट हैं, हार्ड अलॉय पैलेट हैं, बहुत अच्छा पेनिटेशन भी देते हैं और एक्यूरेसी भी सेटिस्फैक्शनरी रहती है इनकी. देखते हैं ऑन कैमरा ये क्या कर पाते हैं. वन मोर शॉट एंड ड्यू टू विंड और व्हाटसोएवर द ग्रुपिंग इज नॉट गुड विद दिस ऑल्सो. ओके नॉट हैप्पी विद दीज टू पैलेट्स. नाउ मूविंग टू द रिसेंट विनर ऑफ द टाइम द क्यू आई एस स्ट्रीमलाइंड. लेट्स शूट 1, 2, 3, 4 शॉट्स विद दिस एंड सी दैट वेदर दिस पैलेट्स आर गुड इनफ फॉर दिस गन. So I'm right now I'm targeting the center one. Mm-hmm.
You can see when I post the close-up picture of the target, you can see that how pellet plays good role in long range shooting. 20-25 yard तक तीनों pellet आप चला लो, लगभग hole to hole निकलता है. लेकिन जब आप 40 yard, 60 yard, 70 yards पे जाते हैं, तब आपको मालूम चलता है कि real pellet के क्या characters हैं. So even in this windy condition, I can see that QYS is just making a very good consistent grouping. So I'm going to use this QYS pellet. This is a very good pellet. 850-900 का टीन है ये, और 500 पैलेट आते हैं 9.56 ग्रेन का. एंड दिस पैलेट्स आर आई थिंक मे बी दिस आर बेटर देन JSVs व्हाट आई हैव सीन पर्सनली. रिगार्डलेस द गन ब्लूइंग गन राइफलिंग इट इज डूइंग वेरी वेल. अपोलो भी करता है, बट अपोलो इज विंड में 50 यार्ड में इट इज़ नॉट डूइंग वेल. I am just literally drilling single hole. शुरू के एक दो शॉट्स थोड़े इधर उधर हुए, क्योंकि जब आप पैलेट का वेट बदलते हो तो पीसीपी की वॉल्व जो है एक दो शॉट तक एडजस्ट होती है वापस से. तो दिस इज इट गाइस. हाँ, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, वो ऑफ कर दो कैमरा. सो दिस इज स्मॉल लेते आओ, कोई नहीं, ठीक है. तो दिस इज व्हाट, सो दिस इज व्हाट हैपेंस When सीरियसली आप लोगों का क्वेश्चन होता है 100 मीटर्स, 50 मीटर्स, 60 मीटर्स, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि सबसे पहले आप एक ऐसे पैलेट को चूज़ करिए जो पैलेट आपके लिए एक्यूरेट हो. अभी मैंने 3 पैलेट किया. जम्बो वॉज डूइंग वेल बट इट डिडेंट वेल, चूँकि मैंने इसको सॉर्टिंग नहीं करी. देर आर वेट इनकन्सिस्टेंसी. अपोलो पॉइंटेड वॉज ऑल्सो डूइंग ग्रेट इन द स्प्रिंगर्स एंड ऑल, बट इट डिडेंट वर्क एट ऑल. But when see this QYS pellet, they outdid to 50 yards, you know. I will measure the group and will show you in close-up. So you decide, comment and see what you have to say. So this is Kuvar Veerbhadra Singh signing out. See you in next video. Until then, this is the message coming from this video, that choose pellet wisely, because, you know, see, I shot what, 15-20 shots, and it didn't give me that kind of pleasure which the QYS pellet gave me. So the thing is that if you want to use the good quality pellet, if you want to shoot a good session of shooting, you should adhere with the good quality pellet or projectile or slug or whatever your gun likes. So for me, this QYS is going to be, main ab in dono ki shaadi kara dunga, theek hai. So this gun is now married to this gun. Whatever the distance is, whatever the windy condition is, I'm going to use this pellet and this one. The gun is running like 15-16 foot pound of energy, and the pellet is very economical, you know, lot more cheaper than JSBs, what the JSBs rates are currently in the market. So 850-900 ke 500 ka teen delivered ho jata hai ghar pe, and for little less, you know, for plinking and, you know, connecting things, I could use this 500 रुपये का ये टीन है जो डिलीवर होता है घर तक, इंक्लूडिंग शिपिंग एंड ऑल. एंड जी स्पीड जम्बोज आर ऑल्सो वेरी गुड इन दिस गन, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू वे एंड शॉट द पैलेट्स. यू हैव टू शॉट बाई वेट, यू हैव टू शॉट बाई डैमेज, एंड देन यू कैन डू प्रिटी मच विद दिस थिंग. सो मैं अभी क्या करूँगा कि मैं अभी वे करके एक दूसरा पार्ट बनाऊँगा, एक छोटा सा, ये देखने के लिए कि डज शॉटिंग पैलेट works. So that is going to be my second topic, and I'm going to shoot that video today only. So see you in that video also.
तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मगन रहिए। इट्स वीरभद्र सिंह साइनिंग आउट।